हेलो सर, मेरा नाम कुंदन है। स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एक ही क्लिक में, एक सेकंड में ट्रेडिंग व्यू ऐप या फिर वेबसाइट में, मोबाइल डेस्कटॉप दोनों में, एक ही क्लिक में कैसे आप निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स एक साथ ऐड कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, सिर्फ एक ही क्लिक में। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है ट्रेडिंग व्यू ऐप पर, पूरा ट्यूटोरियल बनाया है और एक प्रीमियम वीडियो बनाया था, मतलब कैसे हम प्रीमियम फीचर जो अनलिमिटेड वॉच लिस्ट है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दूंगा कैसे करते हैं। सो अगर आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हो इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कैसे आप टेलीग्राम पे हमें चार्ट शेयर करते हो, टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैं बताने वाला हूँ कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। मैं कोई फिल्टर, कोई स्क्रीनर यूज़ नहीं करता। मैंने अब मैं आता हूँ आप डेस्कटॉप पे, आपको लाता हूँ मैं। सो गाइस, हम डेस्कटॉप पे हैं। सो देख लो आप, यहाँ पे मेरा जो निफ्टी 500 है, मैं यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो निफ्टी 500 जो निफ्टी के टॉप कंपनीज हैं उनको मैंने एक वॉचलिस्ट में क्रिएट किया है, और ऐसे बहुत सारे वॉचलिस्ट हैं जैसे एफनो स्टॉक्स है, मैं एफनो स्टॉक्स भी बताऊँगा कैसे आप एफनो स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, और ऐसा निफ्टी सेक्टर इंडेक्स, एफनो गुड स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट 500। सो ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको फ्री में, जो ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत आपके काम आने वाला है दोस्तों। सो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको एक ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट चाहिए, और ये कोई ब्रोकर में अवेलेबल नहीं है। ब्रोकर में आप ये नहीं कर सकते, जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड उनके साथ आप ये नहीं कर सकते। सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडर हैं और स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। सो दोस्तों, आपको जाना है मोबाइल के ट्रेडिंग व्यू ऐप में जो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, और आप कोशिश करें कि जो भी आपका अकाउंट है डेस्कटॉप में या पीसी में, वो सेम अकाउंट आपके मोबाइल में होना चाहिए ताकि सिंक्रोनाइज हो सके जो आप वॉचलिस्ट बनाने वाले हैं। इसको हम करते हैं ओपन। सो देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50 का वॉचलिस्ट है। अब हम साइड में जाके राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में प्लस पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे निफ्टी 500 स्टॉक्स, और ये आप फ्री में कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे और ऐसे करेंगे क्रिएट वॉच लिस्ट, सो ये बोलेगा हमें पैसे दो 30-day ट्रायल अनलिमिटेड वॉच लिस्ट के लिए, लेकिन आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। ये वीडियो आपके 25-30 हज़ार बचाएगा, और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। सो आपको ऐसे 500 स्टॉक्स ऐड कर लेने हैं। हमने ऐड कर लिया निफ्टी 500, ऐसा हमने नाम दे दिया। फिर जब आप ऐसे आएंगे तो आपको यहाँ पे ना अपडेट मिलेगा, देखो यहाँ पे मिल गया, हमें एक अपडेट हो गया अपने आप। सो इस तरह से एक मैंने वॉचलिस्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल शीट मिलेगा, आप उसको क्लिक करें, और ये सेम चीज़ आप ऐप में कर सकते हैं। आपको क्रोम में जाना है मोबाइल के ऐप में, और आप उससे भी कर सकते हैं, पर अभी हम क्रोम है डेस्कटॉप साइट पे। अब हम जाएंगे ये निफ्टी जो मैंने वॉचलिस्ट दिया आपको फ्री में, जो मैंने पहले से रेडी करके रखा है। सो इसको जो गूगल शीट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको आपको कॉपी करना है ओपन करने के बाद, और इसको करना है ऐसे कॉपी, और फिर आपको वापस आना है अपने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे, और ये जो प्लस आइकन दिख रहा है जो मैं स्टेप्स बताने वाला, इसको ध्यान से सुनना। प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आके आपको लेफ्ट क्लिक करना है, पेस्ट करना है। अब इसके बाद अभी भी बाकी एक स्टेप, आपको कॉमा प्रेस करना है कीबोर्ड पे, जो एम की के बाजू में होगा, एम लेटर के बाजू में। सो उसको कॉमा प्रेस करेंगे हम, और फिर एंटर प्रेस करेंगे। सो ये देखो दोस्तों, आपके सामने रेडी है 500 स्टॉक्स। आप इनको रोज वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, आप इसको रोज वॉच कर सकते हैं। सो इस तरह से आप मे बी स्पेस दबा के हर रोज जा सकते हैं और देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट पे है, कौन से स्टॉक सपोर्ट पे है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। और अगर ये तो हो गया ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं पूरा हर स्टॉक में जाके 500 स्टॉक्स जो निफ्टी के टॉप 500 है वो आपने एक सेकंड में ऐड कर लिया। सो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार माइक का इशू आया, दूसरी बार ये लैपटॉप का इशू आया, लेकिन ये थर्ड टाइम, आई होप ये सक्सेसफुल हो। सो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं। सो अब हम ऐड करेंगे एफनो स्टॉक्स। सो एफनो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एफनो स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती है, उसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं, तो जितने भी स्टॉक्स। सो वापस आपको वही गूगल शीट में जाना, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब यहाँ पे आप देख लो नीचे साइड में जो सेकंड शीट है उसमें लिखा है एफनो स्टॉक्स। सो पहले एफनो स्टॉक्स ऐड करने के लिए आपको वापस ट्रेडिंग व्यू ऐप में आना पड़ेगा, साइड में जाना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एफनो स्टॉक्स।
कैसे हम आप ऐड, और ये आप अनलिमिटेड कर सकते हो, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, निफ्टी सेक्टर इंडेक्स, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, आप ये सब फ्री में क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको लिखना है एफनो स्टॉक्स, और फिर हमारा, और ये कोई इलीगल नहीं है, ये कोई मैं हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू अलाउ करता है और उनको भी ये ट्रिक पता है, फिर भी वो अलाउ करते हैं अपने ही बिजनेस में, पता नहीं लात क्यों मार रहे हैं, मे बी उनका कोई स्ट्रैटेजी होगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली लीगल, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रीमियम फीचर आपको फ्री में मिलेगा। सो हम एफएनओ स्टॉक्स को ना फिर से, जैसे अब एफएनओ स्टॉक्स हैं तो हम एफएनओ स्टॉक्स को कॉपी करेंगे, जो फ्री में लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर हम आएंगे, फिर हम वापस ये जो ये एफएनओ स्टॉक्स हमने ऐड किया हुआ है, देखो यहाँ पे हमने कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे एफएनओ स्टॉक्स जो मैंने पहले से, इसको करते हैं डिलीट, हाँ जी। सो हम एफएनओ स्टॉक्स पे जाएंगे और फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे ना पेस्ट करेंगे, ऐसे पेस्ट करेंगे, फिर से लास्ट में हम ना कॉमा प्रेस करेंगे जो एम की के बाजू में होगा, एम लेटर के बाजू में, और फिर हम एंटर कर देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा ये सब करने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फ्री में उसका रिप्लाई करूंगा, सारे जो भी आपका हेल्प हो सके अगर मैं उसको देखता हूं तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो हमने एफएनओ स्टॉक्स ऐड कर लिया, जितने भी कितने एफएनओ स्टॉक्स हैं, 156 वैसे एक्चुअली आई थिंक 180 170 का अराउंड होता है, लेकिन आप जो बच गया 14-15 आप उनको मैनुअली ऐड कर सकते हैं गूगल से, ऐसे फाइंड करके आपको जस्ट गूगल पे जाना है एंड एफएनओ स्टॉक्स आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सो 14-15 मैटर नहीं करता है, बट इस तरह से आप एफएनओ स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। अब सर हमें ना मिड, आप इसमें आप इंट्राडे कर सकते हो, कैसे सर, आप जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, कैसे आप सर इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट करते हो, सो यही एक मेथड है, जैसे आप ऐसा मतलब पैटर्न देख सकते हो, ऐसा रोज जाके जो भी आपके फेवरेट स्टॉक, जिसमें मतलब इसका ऊपर मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कमेंट करना अगर आपको चाहिए तो। एंड इस तरह से आप एफएनओ स्टॉक सेट कर सकते हो। अब मैं एक और बताने वाला हूँ मिड कैप स्टॉक्स, जैसे निफ्टी 50 लार्ज कैप होता है, निफ्टी 100 लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप मिड कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जिसका कंपनीज के साइज होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो हम जाएंगे मिड कैप में, एंड मिड कैप पे हमने प्रेस किया गूगल शीट में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये स्टॉक, ये मैं इसको वीडियो को डिवाइड करता हूँ एक्चुअली में, सो अगर किसी ने नहीं सुना तो। फिर से हम इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड फिर वापस आएंगे ट्रेडिंग वेबसाइट पे, फिर से हम इसको एक्चुअली हाँ, बट हमें फिर से हमें जाना पड़ेगा मोबाइल में, हमें फिर से प्रेस करना पड़ेगा मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स। सो आपको ये फिर से वॉचलिस्ट क्रिएट करना है मिड कैप स्टॉक्स का, फिर आपको ये अपडेट हो जाएगा इसमें, या यहाँ पे अपडेट होना चाहिए दोस्तों, इसमें अपडेट हो आ जाना, आइए देखो मिड कैप स्टॉक्स आ गया। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रेस, ऐसा पेस्ट करेंगे, फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, एंड देन आपको करना है एंटर। सो मिड कैप स्टॉक्स रेडी हो चुका है दोस्तों, अगर आपको मिड कैप स्टॉक्स चाहिए तो आप ऐसे मिड कैप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, एंड ये सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 से ऊपर होता है, 50,000 आई थिंक 40,000 के बीच में होता है। सो कमेंट कीजिए आपको कैसा वीडियो लगा, एंड इसको आप सेम चीज़ डिटो सेम चीज़ आप इसको मोबाइल में कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, हमें क्रोम में जाना है, आपको क्रोम ऐप में जाना है, in.tradingview.com लिखना है, फिर आपको यहाँ से ना डेस्कटॉप साइट एनेबल करना है, एंड फिर आपको साइड में प्लस पे क्लिक करना है और फिर से वो पेस्ट करना है एंड फिर से कॉमा दबा देना है। सो इस तरह से आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर वो ऑफिस या फिर ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, आप भी कर सकते हैं, और आप ऐसा रोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, रोज़ अपने अपना फेवरेट माई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो इस तरह से आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप की मदद से, और ये बहुत ही बेस्ट ऐप है। थैंक्स ट्रेडिंग व्यू टीम को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जिसने रिटेलर ट्रेडर्स को इतना आसानी से, ये कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको फ्री में मिल सकता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी कमेंट हो, डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा अगर मैं देखूँगा तो। एंड अगर आपको ये सब चार्ट रीडिंग सीखना, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, सो मैंने फ्री में वीडियोज़ बनाए हुए हैं, और भी डाउट्स हैं तो आप लाइव क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे टिप्स, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कैसे सर स्विंग ट्रेडिंग फाइंड करें तो सब्सक्राइब कर दो, मैं स्विंग आइडियाज़ लाता रहता हूँ, चार्ट लाता रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपका ये वीडियो आपको ट्रेडिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, दुआ में याद रखना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू।